यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ, कथ नहीं हुआ। पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया रिटर्न्स टू इंडिया, दिस एक्चुअली इज आवर नेशनल कमिटमेंट। क्या एक नया मुल्क बनने जा रहा है, ये एक सवाल है। पॉलिटिशियन जो है अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफेंसिव रहे, ठीक है जी, तो ये चीजें नहीं होंगी। ये एक मैं समझता हूँ एक एग्रेसिव पोस्टरिंग जो है, ठीक है जी, ये बड़ी तेजी से आ रही है। कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की, ये दो दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो दो कौड़ी के। पाकिस्तान जो कश्मीरियों की आजादी की बात करता है, उसने अपने कब्जे में जो कश्मीरी आए हुए हैं इनका क्या हाल क्या हुआ है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ने के बाद डंडे पर लटकाई उनकी शलवार और जाकर चौक में जाकर टांग दी। आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं हर तरह की। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं बड़े बड़े नेता जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब भी गए और वहां पे पीओके के बारे में ये बोला उन्होंने कि साहब देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला। और इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है, मिस्टर राजनाथ सिंह हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो भी इस पर कई बातें कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी हम आपके सामने ला चुके हैं, जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब को अंग विशेष में बहुत खुजली हुई थी और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उनके पास एटम बम है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी चीज है जिसको जैसी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती टाइप के लोग, वो वैसी रोटी सेक देते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ये गार्गी कॉलेज गए, गार्गी कॉलेज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और यहां पे गए और बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वापस भारत में आ जाए। उन्होंने बोला कि पीओके का जो इशू है 370-35 से हटने के बाद ज्यादा प्रोमिनेंस में आया, दुनिया की नजरों में आया, था पहले भी, लेकिन देखिए हर समय पाकिस्तान ने रोना रोया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो फ्रॉड है ना पूरा मामला, पाकिस्तान का तो चोरी वाला मामला है, 400 BC का मामला है, दोगलेबाजी का, दो नंबर का मामला है, फ्रॉडियापन है पूरा, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो दोस्तों हमने 370-35 से हटाया है ना, अब गंगा जी यूं बह रही है, कश्मीर में तरक्की हुई है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए, कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड, एंड देयर सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पर लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है क्योंकि देश के हित में है, ऐसा नहीं। अब आप, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कितने साल रहे वो और कितनी बार रहे, मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर का गाना गा गा के अपनी जेबें भरी, अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन सो कॉल्ड कश्मीर कॉज जो कि हर एक पाकिस्तानी के दिल की धड़कन के बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में रहती है, मौलाना साहब ने क्या कर दिया, ये बात है। मौलाना ने करा क्या कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए करा क्या, कुछ नहीं करा। SUV मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, बंगला मिल गया, कश्मीर कश्मीर, तो सब लोगों ने फायदा उठाया है पाकिस्तान में। और अब कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गए गार्गी कॉलेज और वहां पे बोला कि टेक इवन आर्टिकल 370, कहते हैं लोग अज्यूम करते हैं कि 370 को चेंज नहीं करा जा सकता और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा मतलब पहले लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द डे हैज ड्रिवन इट वेरी डीपली इनटू पब्लिक कॉन्शियसनेस। उनका यह कहने का मतलब है कि जो 370-35 से लोगों ने मान के चले थे लोग कि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसका होना एक मजबूरी है यार, एक
जिसको कहते हैं कड़वा घूंट है, हमें पीना पड़ेगा 370-35A के साथ, जीना पड़ेगा, राजनीति है ऐसी, पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने, और इन दोनों ने यह बोला कि भाई अगर 370-35A हट गया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कांधा देने वाला नहीं होगा, भारत का नाम लेने वाला नहीं होगा, भारत एक बारूद के ढेर पे। देखो कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये दो दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो दो कौड़ी के ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। दोस्तों कश्मीर आपको पता है कितना बड़ा है? नोएडा से अगर आप मथुरा जाएंगे ना, नोएडा से मथुरा, उससे कम में खत्म हो जाता है कश्मीर, उससे कम में खत्म हो जाता है। और नोएडा से मथुरा की क्या बात कर रहे हैं, परी चौक से मथुरा, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि नोएडा से ग्रेटर नोएडा खुद करीब 35 किलोमीटर दूर है यार, इतने में खत्म हो जाता है। और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि यार आप बोलोगे पता नहीं इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कश्मीर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये कहानियां 75 साल से कश्मीरियों को भी सुनाई, बेचारे भोले वाले कश्मीरी वो भी इस फ्रॉड में बेचारे उनको कंफ्यूज हो गए, वो लोग यार कश्मीरी भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो कुछ थी नहीं बात। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ, कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और ज्यादा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है। और बताओ, इन सबको जेल में डाल दिया, साल साल भर जेल में रहे, बिल्कुल टाइट होकर आए बाहर, ये बिल्कुल फ्रेश सारे पुर्जे रवा इन सबके, क्या महबूबा मुफ्ती परिवार के या फारूक अब्दुल्ला परिवार के, सबके पुर्जे रवा हो गए। उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और आम कश्मीरी कह रहा है साहब देखो 370-35 में, पता है आपको कश्मीरियों को इतना झूठ बोला इन दोनों परिवारों ने, एक आम कश्मीरी को इतना कंफ्यूज करा कि 370-35 तुम्हारी एक शनाख्त है, शनाख्त चली जाएगी, तुम्हारे घरों पे हिंदू आ जाएंगे दिल्ली से और हिंदू तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हें लात मार के तुम्हारे खेतों से तुम्हारे घरों से निकाल देंगे, ये सब इन्होंने स्टोरी सुनाई। अब इतना टाइम हो गया 370-35 हटे हुए, अब दोस्तों इतना टाइम हो गया 370-35 हटे हुए, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कश्मीर की जमीन में। तो ये बोला डॉक्टर जयशंकर ने कि व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज दैट बिकॉज वी हैव फाइनली टेकन द राइट डिसीजन ऑन 370 इन द माइंड ऑफ आवर ओन पीपल टुडे द पीओके इश्यू हैज कम टू द फोरफ्रंट ऑफ देयर थिंकिंग। ये साफ सीधी बात है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुझसे भी दोस्तों, मैं तो सिर्फ कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, मुझसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई मुझसे सवाल ये नहीं पूछता कि पीओके का क्या हो रहा है, पीओके का क्या हो रहा है। और ये पता है क्यों हुआ है? ये सबसे बड़ी बात, 370-35 से हट गया तो आज की तारीख में ना जो उस पार वाले भी हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, उन लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई यार। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हो सकता है ये, हो सकता है, मुमकिन है, अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा।